नमस्कार, रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एक महिला का सबसे महंगा यानी सबसे कीमती आभूषण जो होता है वो उसके केश होते हैं। जब वो अपने केशों को ही त्याग कर देती है यानी उस वक्त आपको समझ जाना चाहिए कि जो मसला है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। काल से भाग गया। वो माही का लाल नहीं। वो संघर्ष काल से भाग गया। वो माही का लाल नहीं। रक्त बदल दो, ताज बदल दो, मानव का राज बदल दो, शिक्षा मित्र एकता। ऐसा ही कुछ हमें लखनऊ में आज देखने को मिला। शिक्षा मित्रों ने अपने बाल मुंडवाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ये कहकर कि इन लोगों की अनदेखी करी गई है। वो आत्मदाह भी करेंगे जब तक मान सम्मान नहीं मिलेगा। हम भी यहाँ से उठ के नहीं जाने वाले। वो भी एक छत्री बन के रहे, वो भी छत्री का है। जितना वो झूठा है उतना हम छत्री बोलते हैं। समायोजन रद्द होने के बाद अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में अपने बाल मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्य व केंद्र की सरकार पर अपनी अनदेखी करने के आरोप लगाए। शिक्षा मित्रों ने गोमती नगर के इको गार्डन में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला शिक्षा मित्रों ने सिर मुंडवाया। शिक्षा मित्र पिछले 38 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र शामिल हुए। बाल मुंडवाने के पहले प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों ने अब तक जान गंवाने वाले अपने साथियों की आत्मा की शांति के लिए हवन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग करी। आपको बता दें कि 26 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया, जिसके बाद से ही शिक्षा मित्र आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि शिक्षा मित्रों को पैरा टीचर बनाया जाए और जो शिक्षा मित्र TIT उत्तीर्ण हैं उन्हें बिना परीक्षा दिए ही नियुक्ति दी जाए। हालांकि सरकार से शिक्षा मित्रों की कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। सरकार द्वारा दिए जा रहे मासिक वेतन को लेकर भी शिक्षा मित्र खुश नहीं हैं। खैर, परीक्षा तो शिक्षा मित्रों को देनी ही चाहिए। परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके आधार पर आपकी गुणवत्ता की जांच होती है। यानी ये सिर्फ शिक्षा मित्रों की बात नहीं है, ये उन बच्चों की भी बात है, उन बच्चों के भविष्य की भी बात है जो इनके पास आगे आने वाले समय पर पढ़ने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।